नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप्स लाई हूँ। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने रोजमर्रा के कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। टिप्स अगर जरा सी भी यूजफुल लगे तो रोजाना की तरह एक लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी फर्स्ट टिप है, इस तरीके की छोटी छोटी डिब्बी हमारे घर में होती है, हींग की होती है, क्रीम की होती है, किसी भी चीज़ की आपके घर में इस तरीके की हींग की डिब्बी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसका स्टिकर निकाल दूंगी। तो आप चाहें तो स्टिकर निकाल लें, नहीं तो उसको बना रहने दें, मैं निकाल दूंगी क्योंकि मुझे किसी काम में यूज़ करना है। यहाँ देखिए, हमने इसका स्टिकर निकाल दिया है। अब इसको हमने खोल लिया है। अब एक टिप और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने हींग की डिब्बी लिया इसलिए मुझे देख गया, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप भी अपने घर में हींग यूज़ करते होंगे तो हींग को पूरा ऊपर से ना खोलकर इस तरीके से थोड़ा सा खोलिएगा, इसी में से हींग यूज़ कीजिएगा। इससे होगा क्या, हींग की खुशबू जो है लंबे टाइम तक रहेगी, जल्दी से उड़ेगी नहीं। उम्मीद करती हूँ इस टिप को आप ज़रूर से फॉलो करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने इसके स्टिकर निकाल दिए हैं, ऊपर जो स्टिकर लगा था वो भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका ढक्कन लेना है। तो ढक्कन के अंदर एक और इस तरीके से लगा रहता है प्लास्टिक का या फिर पेपर का एक कवर, वो भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक शार्प चीज़ लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से होल कर देना है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जो रॉड इस तरीके से होती है वो गर्म हो जाती है और ढक्कन थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपका हाथ बहुत ना जले। उसके बाद क्या करना है, जब हम इसको होल करते हैं ना तो जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो हमें इसको फिनिशिंग दे देनी है। नाइफ की हेल्प से जितनी भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक ऊपर की तरफ आई है उसको पूरी तरीके से इस तरीके से हटा देना है। तो यहाँ देखिए, हमने एकदम से इसको हटा दिया, एकदम से प्लेन कर लिया है, अच्छे से हमने इसको फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फेविक्विक लेना है या फिर यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू गन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक ले लिया और जो होल है उसके साइड साइड से इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ देखिए, अच्छे से लगा दिया। उसके बाद एक शार्पनर, जिससे कि बच्चे पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं, वो इसके अंदर फिक्स कर देना है। उसके बाद इस कैप को इस डब्बे के साथ फिक्स कर देना है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आप पेंसिल इससे शार्प करेंगे तो होगा क्या, जो भी कूड़ा है वो इसके अंदर जाएंगे। बच्चे जब पढ़ते हैं तो पेंसिल शार्प करते हैं तो बेड पर, अपने जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर इस तरीके का कचरा फैल जाता है और गंदगी फैल जाती है। तो अब इससे कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी, घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा। बहुत ही अच्छा सा टूल है, उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारा, इस तरीके से जब भी हम कोई भी लोहे की चीज़ या फिर सिलेंडर वगैरह इस तरीके से रखते हैं तो फ्लोर पर ना डस्ट लग जाती है, जिसको कि क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरीके के जो फ्लोर होते हैं, जो टाइल्स वाले होते हैं, उन पर तो हार्पिक डालकर हम इजीली क्लीन कर लेते हैं, बट जो मार्बल वाले फ्लोर होते हैं उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्पिक अगर उसमें डालते हैं तो वहाँ पर कालापन आ जाता है और वो जो फ्लोर है वो खुरदरा हो जाता है, जिससे गंदगी भरती जाती है। तो इस तरीके की अगर फ्लोर पर जंग लग जाता है तो आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं बिना हार्पिक के। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना है पेस्ट। पेस्ट यहाँ पर आपको कोई सा भी ले लेना है, क्योंकि पेस्ट में ना क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो आप जब भी आपको इस तरीके की कोई चीज़ क्लीन करनी हो तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा पेस्ट लगा लिए। यहाँ पर आप पानी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेस्ट थोड़ा ठीक होता है, बट मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा रही हूं। लगाकर आपको इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जहाँ जहाँ पर रस्ट है वहाँ पर अच्छे से इसको रब करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी कपड़ा लेना है, पोछा ले लिया है, उससे इसको क्लीन करना है। देखेंगे रस्ट एकदम से क्लीन हो जाएगी, कितनी भी पुरानी हो वो भी साफ़ हो जाती है। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और नोट की, क्योंकि रस्ट क्लीन हो जाती है तो मुझे पता था, बट ये साइड से आप देख रहे होंगे टाइल्स में कितना फ़र्क है, एक तरफ के थोड़े से काले हो रहे हैं और एक तरफ के साफ़ हैं। तो ये जो ये फ्लोर है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर बस पोछा लग जाता है। और ये देखिए, पेस्ट लगाते ही ये भी क्लीन हो गया है। तो जब कभी भी आपका फ्लोर भी काला पड़ रहा हो तो पेस्ट का यूज़ करके उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत रस्ट रह गई है वहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट और लगा दिया और एक स्क्रबर की हेल्प से इसको रब कर दिया है, जिससे कि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने घर के फ्लोर को, रस्ट वगैरह को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके ज़रूर से काम में आएगी और जो मार्बल के फर्श हैं अब वो खुरदरे नहीं होंगे और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था कि रस्ट क्लीन करने के लिए ज़रूर से एक टिप बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सोल्यूशन मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है दुपट्टे। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं जिनके सूट खराब हो जाते हैं और दुपट्टे नए के नए रहते हैं, तो बस आपको कोई सा भी एक दुपट्टा लेना है और इस तरीके से उसमें प्लीट्स बना लेनी है। जैसे हम साड़ी में बनाते हैं ना प्लीट्स, इसी तरीके से इसमें प्लीट्स बना लेनी है।
प्लीट्स बनाने के बाद इनको इकट्ठा कर लेना है और जो इनके कॉर्नर्स हैं उनको ज्वाइन कर लेना है दोनों तरफ की। ये देखिए यहाँ दोनों तरफ के हमने कॉर्नर्स पकड़ लिए। अब यहाँ ऊपर की तरफ आपको अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर रबर बैंड लगा देना है, कोई ये धागा ले लेना है। तो यहाँ देखिए मैं रबर बैंड की हेल्प से इसको सिक्योर कर दूंगी, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत अच्छे से काम आएगी। यहाँ देखिए अच्छे से लगा लिया है। अब इसको यूज़ कहाँ पर करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको उल्टा कर लेते हैं, जो रबर हमने वो लगाया उसको नीचे की तरफ कर लेते हैं और ऐसे घुमा लेते हैं इसको। अब इसको आपको लगाना है अपने गैस सिलेंडर पर। हम सभी के घर में गैस सिलेंडर होते ही हैं, हम इधर उधर रख देते हैं और वो जगह घेरते हैं, साथ ही साथ देखने में कि भी ख़राब लगते हैं। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या सिलेंडर। ऊपर से इसके प्लेट रखना है, एक प्लेट के बाद कोई भी एक डेकोरेशन की चीज़ रख देनी है और अपने कहीं भी कॉर्नर में इसको सेट कर देना है। इससे आपका कॉर्नर भी बहुत ही अच्छा लगेगा, साथ ही सिलेंडर भी अच्छे से यूज़ होगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये सिलेंडर है। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मैंने यहाँ इस तरीके से कॉर्नर में लगा दिया, अभी मैं इसका यूज़, चलिए इस स्टेप को आप फॉलो करके अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा बेडशीट को लेकर। हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम बेडशीट लगाते हैं, बच्चे उस पर कूदते फांदते हैं तो बेडशीट निकल जाती है और बहुत जल्दी से उसमें सलवटें आ जाती हैं और इधर उधर से कोने निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बेडशीट लगाते हैं तो बेडशीट डालने के बाद आपको ये कोने होते हैं ये पकड़ने पहले नहीं लगानी है, बेडशीट लगाने से पहले ये गांठ नहीं लगानी है। जब आप बेडशीट डाल दें तो देख लें कि कितना कोना बचा हुआ है, उसमें गांठ लगाएंगे। अगर पहले से लगा देंगे तो छोटा बड़ा लग जाती है गांठ और अच्छे से वो फिक्स नहीं होती। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको गांठ लगाकर इसको अंदर की तरफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ दो टिप शेयर करूंगी इसी तरीके से कि किस तरीके से आप अपने बेडिंग करें जिससे कि आपका बेड एकदम से ठीक रहे। तो यहाँ देखिए एक तरफ हमने लगा दिया, अब दूसरी तरफ लगा देंगे। तो इसी तरीके से चारों कोने पर लगानी है, पहले बेडशीट को डाल देना है, मतलब नाप लेना है, उसके बाद इसमें इस तरीके से गांठ लगा देना है और इस गांठ को लगे रहने देना है। आप बेडशीट जब वॉश करें तब भी लगे रहने देना है। तो इस तरीके से बार बार आपको बेडशीट में गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप लगा लें और इससे आपकी बेडशीट इधर उधर जरा भी नहीं हिलेगी, चाहे बच्चे कितना भी उछलें कूदें कितने भी इस पर मजे करें। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। ये बहुत ही पुराना आइडिया, एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली जो कि आगे है बैंगल्स यूज़ करने का, चलिए वो आइडिया भी देख लेते हैं। बेड देखिए कितने अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप अपने बेड को बहुत ही अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम कभी कभी क्या करते हैं, बेडशीट को दबाने के बजाय इस तरीके से इसको साइड से लटका देते हैं जो कि देखने में बहुत ख़राब लगती है और बच्चे वगैरह जब पर चढ़ते हैं ना इसमें तो वो एकदम से एक मतलब सलबटें हो जाती हैं और वो इकट्ठा हो जाती है एक जगह। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको बेडशीट अगर इस तरीके से खोल कर लगानी है, दबानी नहीं है और वो बहुत ही सुंदर लगे, तो आपको क्या करना है इस तरीके से जो इसके कोने हैं वो पकड़ने हैं और यहाँ पर आपको लेना है एक बैंगल। तो यहाँ पर आप जब बैंगल लें तो बैंगल का ध्यान रखें प्लास्टिक या फिर मेटल का आपको बैंगल लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने ये मेटल वाले बैंगल ले लिए हैं छोटे छोटे, तो इस तरीके से बैंगल लेना है और जो इसका यहाँ पर कोना है वहाँ पर लगा देना है। तो ये चारों कोने पर बैंगल्स नहीं लगानी है, ये बैंगल्स आपको लगानी है सिर्फ दो कोने पर, क्योंकि अंदर वाली तरफ जो है हम उसको दबा देते हैं बट जो फ्रंट साइड आगे की तरफ होती है उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर आप इस तरीके से बैंगल का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद किसी धागे से या फिर रबर बैंड की हेल्प से इसको सिक्योर करते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगेगी, ये तो कलरफुल बैंगल है, मतलब कलरफुल बेडशीट है तो इतना पता नहीं चल रहा। अगर प्लेन बेडशीट के ऊपर आप इस तरीके से करेंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी और ये डिजाइन अच्छी लगती है। यहाँ देखिए कितने अच्छे से फिक्स हो गई है, अब इधर उधर खिसके भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। दोनों तरफ हमने इस तरीके से लगा दिया, अब आप देख लीजिएगा इसी तरीके से आप अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको ज़रूर से पसंद आए होंगे, पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।